Okay, students, next हमारे पास numerical है, numerical number 15. A DC motor operates at 240 volt and has a resistance of 0.5 ohm. When the motor is running at the normal speed, the armature current is 15 ampere. Find the बैक ई एम एफ इन दी आर्मेचर. ठीक है, हमें क्या बताया गया, एक मोटर है जिसका ऑपरेटिंग वोल्टेज हमें दिया हुआ है और वो ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इस तरह हम बना लेते हैं कि ये मोटर का जो है वो कॉइल है और इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है यहाँ से V वो हमें नॉन है, डेट इज़ 240 वोल्ट्स की वैल्यू में गिवन है. ठीक है, इसको हम इन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करवा रहे हैं, यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी इसमें प्रोड्यूस करवाएंगे. ठीक है, उसके लिए सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो कुछ हमें गिवन हैं कि इस आर्मेचर का जो करंट है वो 15 एम्पियर है और रेजिस्टेंस इसकी 0.5 ओम के इक्वल जो है वो गिवन है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें जो है वो क्या फाइंड करनी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो है वो इस कॉइल के लिए फाइंड आउट करनी है. सो वी स्टार्ट विद द गिवन डाटा. फर्स्ट थिंग इज ऑपरेटिंग वोल्टेज हमें गिवन है. ठीक है, यहाँ से और ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो कितना है, यहाँ पे 240 वोल्ट्स. नेक्स्ट करंट गिवन है एंड करंट इज 15 एम्पियर्स. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कितनी है, 0.5 ओम. ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें जो है वो गिवन है. फाइंड क्या करना है हमें, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है यानी ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए हम फार्मूला कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, फार्मूला हम यूज़ करते हैं E इज़ इक्वलेंट टू V माइनस आई आर. सो V कितना है, 240 माइनस करंट कितना है 15 और रेजिस्टेंस कितनी है 0.5. 240 माइनस इनको मल्टीप्लाई करें 7.5 और ये 232.5 जो है वो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाती है. तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 15. अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 16 की तरफ. ओके स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 15.16 है. अ कॉपर रिंग हैज़ अ रेडियस ऑफ 4.0 सेंटीमीटर एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 1.0 मेगा ओहम मिली ओहम. अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ अप्लाइड ओवर द रिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज फ्रॉम 0.2 टेस्ला टू 0.4 टेस्ला इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 5×10⁻³ सेकेंड्स, वट इज़ द करेंट इन द रिंग ड्यूरिंग दिस इंटरवल. हमें क्या बताया गया है कि एक जो है वो हमारे पास, सपोज दिस इज रिंग, इस रिंग का रेडियस हमें गिवन है. ठीक है, रेडियस के अलावा हमें बताया गया इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है वो हमने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की हुई है. और लास्टली हमें जो है वो ये चीज़ पता है कि यहाँ पे जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कर रहे हैं, इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 0.2 टेस्ला थी और बाद में 0.4 टेस्ला जो है वो हो गई है. हमें बताना है कि इस रिंग में प्रोड्यूस होने वाला जो करंट होगा वो कितना होगा. सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं गिवन डेटा से. सबसे पहले हमें रेडियस ऑफ रिंग गिवन है और वो कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर्स. इसको अगर हम यहीं पे मीटर में कन्वर्ट कर लें तो यूँ लिखेंगे और इसको मज़ीद हम इस तरह से लिख सकते हैं. नेक्स्ट हमें जो है वो क्या चीज़ गिवन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर रिंग गिवन है और वो है कितनी हमारे पास, तकरीबन 1 मिली ओहम. सो 1 मिली ओहम 1×10⁻³ ओहम के इक्वलेंट आ गई. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड और फाइनल मैग्नेटिक फील्ड है. इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास थी 0.2 टेस्ला और फाइनल मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारे पास 0.4 टेस्ला. नेक्स्ट हम क्या करते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं क्योंकि वो हमें आगे फार्मूला में रिक्वायर्ड होगी. यानी 0.4 टेस्ला माइनस 0.2 टेस्ला इज इक्वलेंट टू 0.2 टेस्ला. और वेरी लास्ट इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो है टर्न टाइम इंटरवल इसके लिए. ठीक है,
तो टाइम इंटरवल जो है वो कितना है 5×10⁻³ और नंबर ऑफ टर्न्स यूजुअली यहाँ पे हमें नोन नहीं है तो हम उसको वन कंसिडर कर सकते हैं. फार्मूला स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहले करंट हम डायरेक्टली फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि करंट के लिए हमारे पास फार्मूला जो है वो है I इज़ इक्वलेंट टू ई ओवर आर. पहले हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करनी पड़ेगी. इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एन डेल फाई ओवर डेल टी. डेल फाई बी हमें नॉन नहीं है तो पहले हमें डेल फाई निकालना पड़ेगा, डेट इज़ बी ए. ठीक है, यहाँ से हम जो है वो इस फार्मूला के थ्रू जो है वो निकाल सकते हैं. अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम डेल फाई की वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं. डेल फाई हमारे पास जो है वो कितना आ जाएगा बी, और यहाँ पे हम यूँ लिख लेते हैं डेल्टा बी ए. ए जो है वो मज़ीद पाई आर स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है. ठीक है, तो ये क्या आ गया, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला, ये 3.14, और रेडियस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यानी हमने 4×10⁻²⁻² का स्क्वायर निकालना है. तो इसको जो है वो जब हम सॉल्व करते हैं तो चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास जो डिटर्मिन होती है वो है 10.048×10⁻⁴ वेबर्स. ये आ गई. अब हम स्टूडेंट्स इस वैल्यू को यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ को. ठीक है, एन डेल फाई ओवर डेल टी, एन वन है, इसकी वैल्यू लिखते हैं, ओवर डेल्टा टी 5×10⁻³ है. ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो हमारे पास यहाँ से सॉल्व करने से वैल्यू आती है स्टूडेंट्स वो आती है 2×10⁻¹ वोल्ट्स. अब लास्ट स्टेप है हमारा कि हमें जो है वो फाइंड करना है करंट. तो करंट के लिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं. इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी आई 2×10⁻¹ वोल्ट और रेजिस्टेंस थी 1 mΩ. तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो फाइनल जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 210 एम्पीयर्स के इक्विवेलेंट. तो ये थी हमारी करंट की वैल्यू.